हाँ तो गाइज, हम अपने घर से निकल चुके हैं। देखिए हमारे गांव का व्यू कितना प्यारा सा है, और ये देखने की सभी को ऐसी इच्छा करती है कि हम भी एक बार गांव का रुख करें। देखिए गांव में ऐसी क्या चीज़ है जो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, यहाँ की सड़कें केवल इतनी ख़राब होती हैं कि लोगों को यहाँ पर आने का नहीं मन करता है। फिर भी देखिए यहाँ पर सब कुछ पाया जाता है। और हम आप लोगों को अपने गांव का एक स्कूल दिखाना चाहेंगे जो कि प्राथमिक विद्यालय के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर सब छोटे बच्चे आकर पढ़ते हैं। तो अब हम इस विद्यालय का रुख करेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा स्कूल, देखिए यहीं पर वो विद्यालय है जो कि बहुत ही अच्छी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर एक तालाब है जो कि सभी बच्चे इसमें मौज करने के लिए आते हैं। तो आइए हम अपने गांव का आज कुछ दूर का नज़ारा दिखाते हैं। तो हमारी बाइक देखिए चल चुकी है, और पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फील्ड है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम अपने गांव से कुछ दूर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप लोग कुछ देखिए, और यहाँ पर कितनी अधिक दुकानें हैं। देखिए यहाँ पर सभी दुकानें एक से बढ़कर एक हैं, और यहाँ का व्यू भी देखिए कितनी अच्छी है। अब हम यहाँ से अपने घर चलेंगे। तो आइए अब हम अपने घर के लिए निकलते हैं। अब हम अपने घर पर पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर गांव में छोटे छोटे बच्चे कितने मौज वाला खेल खेलते हैं। देखिए ये बच्चा कितना खुश दिख रहा है, और ये देखिए इसे देखकर सब बड़े भी इस खेल को खेलने की इच्छा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा व्यक्ति है जो कि इस खेल को खेल रहा है, और यहाँ पर काफ़ी मौज करते हैं लोग बच्चे। ये देखिए गाय का खाने वाला चारे से लोग उसे जहाज बनाकर उड़ा रहे हैं। देखिए बच्चा यहाँ पर आम खा रहा है, और ये देखिए साइकिल से एक बच्चा जाता हुआ काफ़ी तेज़ी से, और ये नाले को पार करने के लिए एक पुल है। और अब हम अपने गांव का एक फील्ड दिखाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर आ चुकी है। नहीं तो इसके पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्टेडियम हुआ करता था जिसमें कि क्रिकेट मैच खेला जाता था। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा हो चुकी है, इसलिए ये ख़त्म हो गया है। अब हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब लोग घूमने गए थे लेकिन अब घर जा रहे हैं। और देखिए एक व्यक्ति जो कि भिंडी की फसल में खाद को फेंक रहे हैं जिससे भिंडी काफ़ी ताकतवर, मोटी और तगड़ी हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं।